ये गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में क्या कह रहे हो भाई, मतलब इसको मैं देख रही हूँ वही बहुत है। ऐसा लग रहा है आप अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। गाड़ी गाड़ी ले जाओ, एक बंदे को भेज दिया भाई, इसको दो चार फीचर फीचर बता दो, अगेन आपकी गाड़ी अपनी हो जाएगी गाइस। तो बंदा मतलब इसे पागल हो जाता भाई, ये चिप्स क्यों गिरा दी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है हमारे चैनल के लिए, तो रिसेंटली आपने हमारे पास में कौन सी गाड़ी और हमने उसको कैसे कस्टमाइज करवाया वो वीडियो तो देख ही लिया होगा। उसकी तो बहुत सारे सवाल आते रहते थे, मतलब हर एक कमेंट के बाद में दूसरा कमेंट ऐसा है, कुछ ना कुछ पूछते रहते हो आप लोग। तो लेकिन आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो गाड़ी से ही रिलेटेड है, और वो है कि आप जर्मनी में गाड़ी बाय कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप नई गाड़ी कैसे खरीद सकते हो, या फिर सेकंड हैंड अगर आपको लेनी है तो उसका भी क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, और पूरी डिटेल में पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे या बताएंगे। तो अगर हम लोग हमारी बात करें तो हमने अभी तक यहाँ पे दो गाड़ियाँ खरीदी हैं और उनमें से एक को हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। तो फर्स्ट वाली गाड़ी थी BMW 116D, जो कि 1 सीरीज बोलते हैं यूजुअली उसको, वो थी डीजल वेरिएंट, और उसको हमने अराउंड 1.5 साल के आसपास रखा था। उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया। उसके बाद में हमने खरीदी नई वाली दूसरी गाड़ी, जो कि है BMW X1 18i। उसके बारे में शिल्पा तुम थोड़ा बहुत बताना चाहोगी? तो वो हमने नई गाड़ी खरीदी थी और उसको भी अभी हम अगेन 1.5 साल हो गया हमको यूज़ करते हुए। तो वही है कि हमको यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि जो फर्स्ट कार हमने ली थी वो थी एक यूज्ड कार, उसके बाद में हमने उसको सेल कर दिया। फिर जो सेकंड कार हमने ली वो है न्यू कार। तो अगेन यहाँ पे क्योंकि हमने दोनों गाड़ियाँ खरीदी हैं, तो अगेन हम आज जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे कि आप एक यूज्ड कार कैसे ले सकते हो, उसमें आप क्या क्या देख सकते हो, उसके बाद में आप सेल कैसे कर सकते हो अपनी गाड़ी, एंड देन अगेन आप नई कार कैसे ले सकते हो। और यहाँ पे ये भी बताएंगे कि फुल पेमेंट कैसे करके आप पूरी गाड़ी ले सकते हो और लीजिंग पे कैसे ले सकते हो। तो बेसिकली सारे टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। सारे टॉपिक कवर कर दोगे इतनी देर में? कवर कर डालेंगे, अरे कुछ ज्यादा हो जाएगा। इतने टाइम से बात मतलब वो आ रहा था कि गाड़ी कैसे लेनी है, बताओ बताओ बताओ, तो आज फिर सब बता देंगे। विराट कोहली वाली गाड़ी दिखी है गाइस, ये है ऑडी R8। अब तो पता नहीं उसके पास बहुत सारी होंगी, बट शुरू शुरू में उसने आई थिंक यही वाली गाड़ी ली थी। काफी अच्छी दिख रही है, एकदम स्पोर्ट्स कार। तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे, ये इसके बारे में जिन जो ये गाड़ी ले सकते हैं उनको उनको प्रोसेस की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाली गाड़ी से। तो वो बेसिकली आप यू नो यूज्ड कार जब भी आप देखने जाते हो तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, या तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखो, सर्च करो इंडिविजुअल सेलर से, या फिर डीलर से ले सकते हो। तो अगेन दो तीन जैसे मैंने बताया कि डीलर हो गया, प्राइवेट किसी पर्सन से ले सकते हो, और कुछ डीलर छोटे होते हैं जो इंडिविजुअल यू नो डीलर होते हैं जिसके पास सारे टाइप की गाड़ी मिल जाती हैं। फिर बाकी और जो डीलर जैसे अपने इंडिया में या फिर आपके कंट्रीज में भी होते हैं कि स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कोई BMW बेच रहा है, कोई Audi बेच रहा है, कोई Mercedes का ही डीलर है, तो वैसे आप उन डीलर्स के पास भी जा सकते हो। और फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह उन सब में भी आप जैसे देख सकते हो, क्योंकि eBay क्लाइन अनजाइगन है उसमें भी मिल जाएंगी, mobile.de है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको अपना बजट एक डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर आपको यूज लेनी है या न्यू लेनी है, दोनों ही केसेस में, और फिर उस बजट के अराउंड आप मल्टीपल ब्रांड्स में देख सकते हो गाड़ियाँ कि आपको मतलब कौन सी में क्या फीचर्स मिल रहे हैं, किस टाइप से आपको कौन सी गाड़ी बैठ रही है। तो उस हिसाब से फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है कि आप हंट करना शुरू करो। हाँ, गाड़ी आप एक बेसिकली अपना बजट डिसाइड करो कि मुझे इस बजट में लेनी है, इतने किलोमीटर्स में लेनी है, जितने कम किलोमीटर होंगे उतना ही ऑफ कोर्स बेटर होती है गाड़ी। तो जैसे आपने यू नो ये सब डिसाइड कर लिया, बजट हो गया, किलोमीटर हो गया, ब्रांड एक दो आप चूज करके रखो, उसके बाद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या फिर नियर बाई के जो डीलर्स हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर आप सर्च स्टार्ट करो। और जैसे आपने लिस्ट डाउन कर ली, मान लो आपने 5-6 गाड़ियाँ लिस्ट डाउन कर ली, फिर एक एक गाड़ी की विजिट करो उस डीलर के पास में, या फिर प्राइवेट पर्सन से अपॉइंटमेंट डिसाइड करो। फिर उसके बाद में आपने उसमें बेसिक चीज़ें चेक करनी है कि गाड़ी कितनी रन डाउन है, टायर्स की क्या कंडीशन है, थोड़ा बहुत इंजन चेक कर सकते हो। फिर आप नैरो डाउन करके मान लो आप एक दो गाड़ियों के ऊपर आ गए कि हाँ मुझे ये 2-3 गाड़ियाँ जम रही हैं, तो उस सिचुएशन में आप उसको फाइनलाइज करने से पहले मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा एक ADAC का एक चेक करवा लो। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, वो अराउंड 100 यूरो से कम में ही आपका हो जाएगा। उसमें वो लोग क्या करते हैं कि आपका एक मैकेनिक प्रॉपर चेक करता है गाड़ी को और आपको सारी रिपोर्ट दे देता है कि गाड़ी में ये इशू है या फिर नहीं है, गाड़ी अभी और कितनी रन कर सकती है, फिर क्या कोई चेक पेंडिंग है, या फिर पेंट तो दोबारा नहीं हुआ हुआ, गाड़ी में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करके अनबायस्ड एक आपको रिपोर्ट दे देगा। तो उससे आपको यू नो एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि भाई
क्योंकि यूजुअली अपन तो मैकेनिक उतने कुछ है नहीं नॉलेज वाले, आप नेट से कितना ही पढ़ लोगे तो अपने को पूरी चीजें पता नहीं चलेंगी, तो वो एक चेक करवाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद में जैसे जो गाड़ी, अगर सेकंड हैंड गाड़ी की अभी बात कर रहे हैं खरीदने का, उसके प्रोसेस में जो हमने नोटिस करी थी एक चीज की, यहाँ पे भी जैसे ना बहुत डिमांड रहती है, तो जैसे जब हम फर्स्ट वाली गाड़ी ले रहे थे तो सचिन जाते थे देखने के लिए, तो उन डीलर्स के पास में मतलब ऐसे लिस्ट रहती थी कि मतलब इतने बजे तुम आ रहे हो, उसके बाद में कोई और आएगा, उसके बाद में कोई और आएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मतलब डील्स भी ऑन स्पॉट ही फाइनल हो जाती है। हाँ, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, अगर आपको लग रहा है गाड़ी अच्छी है उसका आपको चेक वेक, अगर आप डीलर से ले रहे हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की वैसे ही जरूरत नहीं है, प्रॉपर डीलर से ले रहे हो तो वो लोग गारंटी भी देते हैं काफी टाइम तक, 6 मंथ्स की या फिर 1 ईयर की, डिपेंडिंग कौन से डीलर से ले रहे हो क्या उसका प्रोसीजर है, थोड़ी एक्सपेंसिव देंगे लेकिन, हाँ थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है वो कंपैरेटिवली, लेकिन उसमें पीस ऑफ माइंड आपके पास में है तो आप बेसिकली आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं, इधर वाली साइड चलते हैं। और जो एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस करी है कार बाइंग के प्रोसेस को लेके, वो ये है कि जैसे यहाँ पे ना निगोसिएशन ज्यादा नहीं होता है, जैसे आप या तो डीलर के पास में जा रहे हो या फिर आप अगर किसी प्राइवेट ओनर के पास में भी जा रहे हो गाड़ी देखने, तो आपको मतलब एक नंबर अपने माइंड में लेके जाना है, अपनी रिसर्च पहले से ही करके जानी है, और उसके बाद में आपको कोशिश करनी है कि आप उसी मीटिंग में जब आप गाड़ी देख रहे हो तो ही आप मतलब उनसे बात कर लो फाइनल प्राइसिंग वगैरह की। ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन में बताऊंगा 4 दिन में बताऊंगा, तब तक या तो फिर ऐसे होगा कि वो गाड़ी कोई और लेके जा चुका होगा या फिर वो बंदा ही आपको मना कर देगा, कि मतलब जितना जो हमने हमारे एक्सपीरियंस से देखा है वो यही कि यहाँ पे बहुत ज्यादा निगोशिएशन नहीं होती है, तो वो चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो निगोशिएशन के बाद में अब बात करते हैं कि गाड़ी का जो बाइंग प्रोसेस है वो कैसा रहता है। अगर आप प्राइवेट बंदे से ले रहे हो तो उसमें ये डिफरेंस रहेगा कि आपको सारा पेमेंट वन शॉट में ही करना पड़ेगा, या वो या तो कैश हो सकता है या फिर बेसिकली आप उसको 1 टाइम में या फिर 2 टाइम्स में सारे के सारे पैसे ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हो। तो प्राइवेट सेलर से आप बेसिकली यू नो आपने गाड़ी ले ली, ये तो ये प्राइवेट का हो गया। अब अगर अपन बात करें डीलर का, तो डीलर के सिचुएशन में भी अगेन यही सेम केस है, या तो आप कैश दे दो या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कर लो, डिपेंड्स ऑन द डीलर। तो डीलर के केस में आपके पास ये बेनिफिट रहता है कि आप अपनी गाड़ी को फाइनेंस करवा सकते हैं। तो उसमें अगेन 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको लीज करनी है तो लीज के लिए गाड़ी थोड़ी नई होनी चाहिए, 6 मंथ ओल्ड या फिर 1 ईयर ओल्ड वाली गाड़ी पर लीज का यूजुअली ऑफर देते हैं वो लोग। और अगर गाड़ी थोड़ी और पुरानी है, 2-3 साल पुरानी है, तो आप बेसिकली उनके पास फाइनेंस के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कोई भी बैंक से वो फाइनेंस करवा देंगे। यूजुअली जर्मनी में इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम होती है तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, और आप एक मंथली ईएमआई देते रहो, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट दे दो। जैसे आपकी गाड़ी की कॉस्ट लेट्स से 10-15,000 यूरोज है, तो यूजुअली 3-4,000 यूरो आपको स्टार्टिंग में देने होते हैं और बाकी पूरी की पूरी अमाउंट फाइनेंस होती है। कुछ केसेस में आप पूरी की पूरी गाड़ी भी फाइनेंस करा सकते हो, ओनली आप यू नो 1 यूरो डाउन पेमेंट या कुछ भी देके आप अपनी गाड़ी घर लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन भी रहता है ना कि जैसे मान लो आप गाड़ी शुरू में इनिशियली लीज करवाते हो, उसके बाद में जैसे एंड से आपने अगर मान लो 4 साल की लीज करवाई, तो आपकी एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट हो जाती है जो आपको देनी पड़ती है, पूरी गाड़ी की कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ती। तो आफ्टर जैसे जो भी आपकी लीज का टाइम है, जैसे मान लो 4 ईयर्स की आपने करवाई, तो उसके बाद में आप चाहो तो वो गाड़ी डीलर को आप या तो वापस दे सकते हो और नई गाड़ी ले सकते हो, या फिर आप एंड में जैसे आपको बहुत पसंद आ गई वो गाड़ी या फिर आपको लग रहा है कि आपको वो गाड़ी खरीद के आप उसको सेल करना चाहते हो थोड़े टाइम में, तो उस टाइम पे फिर आप जो भी जितना रिमेनिंग उसका जो भी कॉस्ट रहती है, जो बच रही होती है, वो आप उस टाइम पे करके और फिर वो गाड़ी एंड में बाय भी कर सकते हो। हाँ, तो ये एक बेसिकली बेनिफिट है कि आप अगर आपको हर 3-4 साल में यू नो गाड़ियां बदलनी हैं, तो आप लीजिंग कॉन्सेप्ट में जाओ और लेटेस्ट गाड़ियां आप रख भी सकते हो। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है कंपेयर टू बाइंग, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। तो अब गाड़ी खरीदने की बात चल रही है, तो गाड़ी के साथ में नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टॉपिक। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ नंबर के बारे में। तो जैसे हमारे इंडिया में, तो जैसे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमको बाय डिफॉल्ट एक नंबर मिलता है, या फिर जैसे अगर हमको कोई अपनी पसंद का नंबर लेना होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, और बहुत सारे नंबर तो बहुत महंगे भी होते हैं, मिलते भी नहीं है, तो मतलब वही पूरी मारामारी रहती है। जर्मनी में ऐसा नहीं है, ये बात यहाँ पे बहुत ही एक अलग है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जर्मनी में आप अपना नंबर खुद से सिलेक्ट करते हो आप। तो फॉर एग्जांपल सिटी के इनिशियल्स तो आपके फिक्स ही रहेंगे, जैसे फ्रैंकफर्ट में हमको जैसे F मिलेगा, या फिर जैसे अगर हाइडलबर्ग में लेते हो तो HD, म्यूनिक में M, ब्ला ब्ला वैसे। बट उसके आगे का जो भी नंबर रहता है, जो इनिशियल्स रहते हैं और जो डिजिट्स रहते हैं, वो यहाँ पे आप पूरा खुद से पिक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लोग जैसे अपने नाम के इनिशियल्स या फिर कोई भी अगर इनिशियल उनको पसंद होता है ABCD वाला, वो ले लेते हैं। उसके बाद में जो डिजिट वाला रहता है, वो भी आप अपना बर्थ डेट, आपका एनिवर्सरी का नंबर, या फिर आपका कोई और अगर स्पेशल नंबर है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। और इस नंबर के लिए आपको कोई फॉर्च्यून नहीं पे करना पड़ता है, 10 से 20 यूरो में आपका नंबर बुक हो जाता है। बस हाँ ये होता है कि कई की बार कुछ नंबर्स ऑलरेडी टेकन होते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होते। तो अब गाड़ी की आपकी डील वील फाइनल हो चुकी है, उसके बाद में बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है। तो इसमें अगेन आप चाहो तो डीलर से, जो भी अगर डीलर बड़ा वाला डीलर है वो, या फिर एक जो छोटे छोटे डीलर होते हैं वो लोग भी आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट पूरा हैंडल
हैंडल कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उस सिचुएशन में आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो इस सारी प्रोसेस आप खुद से भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी फाइनल हो गई, उसके बाद में यूजुअली आपको अपने जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होंगे, उसके साथ में आपको इंश्योरेंस और TÜV चाहिए होगी। TÜV का मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि TÜV क्या होती है। तो TÜV में ये लोग क्या करते हैं कि TÜV में चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी की अभी कंडीशन कैसी है और वो गाड़ी अभी यू नो कितने ड्यूरेशन के लिए और चलने के लिए यू नो कैपेबल है। तो उसमें जैसे टायर्स का चेक करेंगे, इंजन का चेक करेंगे और वो भी जो भी वियर एंड टीयर वाली चीज़ होती है वो चेक करके एक सर्टन आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे जो एक सर्टन ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है। वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हो। तो TÜV हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फिर आपके जो नंबर प्लेट है वो भी आप चाहो तो जैसे अभी शिल्पा ने बताया कि आप वो कैरी भी कर सकते हो आपके साथ पहले से। नंबर आपने पिक कर लिया, फिर ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट पे जाके आपने यू नो प्रिंट करवा ली अपनी नंबर प्लेट तो वो आपके पास में ऑलरेडी आ चुकी होंगी। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लेके आप एक जो यहाँ का लोकल जो ट्रैफिक ऑफिस है, जो KFZ वाला ऑफिस है, वहां जाके आप अपनी गाड़ी रजिस्टर कर सकते हो खुद से। तो अगर आप किसी प्राइवेट बंदे से ले रहे हो या फिर प्राइवेट डीलर जो कि यू नो काफ़ी डिस्टेंस पे आपके सिटी से, तो उस सिचुएशन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो आप वहाँ पे गाड़ी रजिस्टर कैसे करोगे क्योंकि वो आपके शहर से दूर है। तो उस सिचुएशन में आप एक टेम्परेरी नंबर प्लेट भी ले सकते हो अपने लोकल सिटी के ट्रैफिक ऑफिस से या फिर कोई प्राइवेट डीलर से। तो वो एक यूजुअली रेड कलर में होती है, वो नंबर प्लेट लेके आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। उसकी कुछ वैलिडिटी होती है 7 डेज या 15 डेज, वो लेके आप दूसरे शहर या फिर जहाँ पे भी आपकी गाड़ी है जहाँ से आप खरीद रहे हो वहाँ आप जा सकते हो और वहाँ पे वो नंबर प्लेट लगा के आप बैक होम ड्राइव कर सकते हो। फिर अगेन वही सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया, वापस आप जाओ जो KFZ या ट्रैफिक ऑफिस होता है वहाँ पे और वहाँ जाके अगेन आप सर्टेन प्रोसीजर से अपनी गाड़ी फिर से रजिस्टर कर सकते हो। तो अभी हम एक ऑडी की डीलरशिप पे आए हुए हैं, तो अब जैसे अगर सेकंड हैंड या यूज्ड कार की बात चल रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ कार्स की प्राइस भी बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पे ये है ऑडी Q2 और ये 2017 मॉडल है जिसकी टोटल प्राइस यहाँ पे 20,000 है। तो अगर आप जैसे इस रेंज में कोई गाड़ी लेना चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे आपको ऑलमोस्ट 6,000 के डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी एंड उसके बाद में आपकी 250 यूरो मंथली की EMI बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, ये है ऑडी A3 स्पोर्ट्स मॉडल है, ये 2019 की है। अगेन इसकी टोटल प्राइस भी 20,000 ही है। इसमें आपको डाउन पेमेंट करना है 7,000 का फर्स्ट, उसके बाद में सिर्फ 200 यूरो की आपकी मंथली EMI बन जाएगी। तो बेसिकली जैसे अगर आप A4 और या फिर Q1, Q2, A5 ये सब मॉडल्स में अगर आप देखते हो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ से ऑडी में, तो बेसिकली आपको इस रेंज के अराउंड मिल जानी चाहिए। तो ये जो आप यहाँ पे कार का मॉडल देख रहे हो, आई थिंक मैंने इंडिया में तो नहीं देखा है लेकिन ये यूरोप में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसको आप स्टेशन वैगन या फिर कॉम्बी बोलते हैं यहाँ पे, और ये मतलब जैसे बेसिकली लॉन्ग साइज सीडान है जिसमें आपको एक तो लेग स्पेस बहुत ज्यादा मिल जाता है और बूट स्पेस भी काफी ज्यादा लंबा मिल जाता है, और ये वाला डिजाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप जैसे अगर नई गाड़ी लेना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो अगर आपने हमारा कार कस्टमाइजेशन वाला वीडियो देखा होगा कि हमने गाड़ी कैसे ली, तो उसमें आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि जर्मनी में ये बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है कि आप अपनी गाड़ी यहाँ पे खुद से बिल्ड करते हो। तो बेसिकली जैसे आप जब एक नई गाड़ी लेने का सोचते हो तो अगेन आप जैसे मल्टीपल कार्स की वेबसाइट पर जा सकते हो, बहुत सारे शोरूम्स में जा सकते हो, जाके आप सबसे पहले तो गाड़ियाँ देख सकते हो कि आपको कौन सी पसंद आ रही है। उसके बाद में जैसे अगर आपको कोई भी गाड़ी लुक में अगर जम रही है थोड़ी बहुत, तो आप वहाँ पर उनके शोरूम में बैठ के उनके सेल्स पर्सन के साथ में कार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नहीं तो आप घर पे आके किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पे जाके और वहां पे आप अपनी गाड़ी खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट पे जाके उनकी गाड़ी कॉन्फ़िगर करना शुरू करोगे तो आपको जैसे बेसिक कुछ मॉडल्स मिल जाएंगे कार्स के, उसमें फिर आप वो पिक कर सकते हो। उसके बाद में जैसे उसकी बेस प्राइस आपको मिलेगी वहां पे, फिर आपको सारे फीचर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब कलर से लेके टायर से लेके और जैसे क्या क्या फीचर्स आपको लेना है, म्यूजिक सिस्टम कैसा लेना है, एयर कंडीशन कैसा लेना है, जो ये जो सिक्योरिटी वाले फीचर्स हैं कि अडेप्टिव डिस्टेंस लेना है कि नहीं लेना, लेन असिस्ट लेना है कि नहीं लेना, हेड्स अप डिस्प्ले लेना है, मतलब एन अमाउंट ऑफ फीचर्स, सनरूफ और सब कुछ। तो वो आप वेबसाइट पे जाके मतलब खुद से पिक एंड चूज कर सकते हो एक एक चीज़ कि मुझे अपनी गाड़ी में रिम ऐसी चाहिए, टायर में मुझे सीट का कलर ऐसा चाहिए, मुझे गाड़ी का कलर ऐसा चाहिए, मुझे ये फीचर में इतना अपग्रेड चाहिए, ये फीचर मुझे नहीं चाहिए। तो उस तरह से आप अपनी गाड़ी बना सकते हो और उसके बाद में आप उसके मतलब जो आपको प्राइसिंग आ जाएगी कि अच्छा ये सारे फीचर्स डालने के बाद में ये आपको प्राइस बन जाती है, उसमें फिर आपको अगेन आपके पास में ऑप्शन रहते हैं कि आपको फिनेंस करवाना है या लीज करवाना है, तो फिर उसकी बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं न्यू कार की लीजिंग के प्रोसेस की। तो अगेन जैसे शिल्पा ने बताया कि आप सारे जो फीचर्स हैं वो पिक एंड चूज आपने वेबसाइट पर कर ली या फिर जो आपकी डीलरशिप है वहाँ जाके आपने कर लिए, तो उसके बाद में लीजिंग की प्रोसेस यूजुअली ऐसी रहती है कि आपको टाइम डिसाइड करना होता है कि आपको 3 साल के लिए चाहिए या 4 साल के लिए चाहिए। यूजुअली जितना टाइम आप कम
ड्यूरेशन के लिए लोगे उतनी ही लीज़ आपकी एक्सपेंसिव होती जाएगी। जैसे आपको एक दो साल के लिए लें तो आपकी मंथली ईएमआई काफ़ी हाई चली जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपने चार साल की लीज़ के लिए लिया या फिर तीन साल के लिए लिया है तो एक अमाउंट वो कैलकुलेट करेंगे आपकी नई गाड़ी की कॉस्ट के अकॉर्डिंग और फिर आपको बेसिकली यू नो वो मंथली एक ईएमआई पे करना है उस गाड़ी के लिए। और उसके साथ में एक और फैक्टर रहता है कि उसमें किलोमीटर भी यूजुअली एक कंस्ट्रेंट होती है कि आप साल के जैसे 10,000 या 15 या 20 या फिर मे बी सर्टेन कार्स के अंदर 30,000 किलोमीटर्स आप जैसे चला सकते हो। अगेन जितने किलोमीटर आप बढ़ाओगे ईयरली पे उतने ही ज़्यादा आपकी प्राइसिंग बढ़ती जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 15,000 या 20,000 किलोमीटर का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया और कोई भी गाड़ी एक्स वाई जेड आपने ली है तो चार साल तक आपने जब वो गाड़ी चला ली फिर उसके बाद में आप रिटर्न करने जाते हो और गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से जो डीलर है या फिर वहाँ पे जो सेल्स वाला बंदा है वो डिसाइड करेगा कि अब गाड़ी की फाइनल प्राइस कितनी है अगर आप उस गाड़ी को फाइनली बाय करके अपनी करना चाहते हो उस सिचुएशन में। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने जो भी प्राइस आपको डिक्लेयर करी अगर आपने वो ले ली तो आप उस गाड़ी को घर ले जा सकते हो, अदरवाइज वो आपका 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाएगा और बेसिकली आप मूव ऑन कर सकते हो, दूसरी कोई गाड़ी ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे कट करना चाहूंगी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो कि आप उसको अपनी बनाना चाहते हो या मूव ऑन करना चाहते हो। अपनी बनाना ये पता नहीं कहाँ से वर्ड्स आ गया, तो ये सब हम लोग प्रो नहीं है इसके लिए। गाड़ी गर्लफ्रेंड से कम नहीं होती। हाँ, गाड़ी भाई मतलब यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग एकदम गाड़ी में, मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी गाड़ी में जा रहे हो या फिर मान लो आप मेरी गाड़ी में बैठे हो तो मुझे भी ऐसा लगे यार ये चीज़ गंदी मत कर, तू ऐसे मत बैठ। या फिर फॉर एग्जांपल मैं एक दो दोस्तों के साथ गया तो अगर आपने चिप्स भी गिरा दी तो बंदा मतलब ऐसे पागल हो जाता भाई ये चिप्स क्यों गिरा दी। मतलब मेरी गाड़ी में मतलब अब धीरे धीरे यूज हो जाते हो, जैसे आप नई लेते हो तो नई को आपका यू नो रहता है कि यार गंदा नहीं करें। अब तो हम लोग जैसे 10-10 घंटे जब भी जाते हैं या फिर 5 घंटे भी जाते हैं तो शिल्पा एकदम, अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ तो ये शिल्पा का फेवरेट डायलॉग है, तो शिल्पा तो एकदम मतलब इस पे सीट वीट गंदा वंदा कर देगी क्योंकि वो मेरी भी गाड़ी है वो सबकी मतलब। हाँ इट्स ओके तो चलता है उतना। हम भटक गए तो हम टॉपिक से काफी ज्यादा भटक चुके हैं। तो यही है चार साल का फंडा आपका या तीन साल का फंडा, उसके बाद में एंड में आपको जो भी है प्राइस दे देनी है और गाड़ी को अपनी बना लेना है गाइस। हाँ और अगर बनाना नहीं है अपना तो भैया वहीं छोड़ देना है, कोई और आएगा वो देखेगा और वो डीलर से वो गाड़ी ले जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात है कि वो बात मैं भूल गया, एक और बात तो थी फिनेंस वाली। हाँ फिनेंस वाली भी मतलब हाँ कर सकते हो, जैसे आप अगर नई गाड़ी ले रहे हो अगेन तो उसको आप लीज पे ना लेके फाइनेंस भी करवा सकते हो, यू नो फाइनेंस या फिनेंस दोनों में से कोई भी एक चीज करवा सकते हो। तो प्रोनाउंसिएशन पे हमारी काफी ज्यादा यू नो क्लासेस ली जा रही हैं कि भाई आपने ये चीज ऐसे क्यों बोल दी, तो अगेन जो ही आपने बचपन से सीखा है वैसे ही तो बोलोगे। हाँ कुछ ना कुछ आप करेक्ट करते हो, कुछ ना कुछ एडुकेट आप जरूर होते हो राइट। तो हाँ फिनेंस की अगर बात करें तो फिनेंस में अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि आप स्टार्टिंग में आपको एक लमसम आपको अमाउंट देनी पड़ती है डाउन पेमेंट के, जैसे अपन इंडिया में बोलते हैं। तो से अगेन 40-50,000 की गाड़ी है तो आप 10,000 यूरोस के आसपास आप स्टार्टिंग में दे दोगे और फिर आप इंटरेस्ट रेट यहाँ पे काफ़ी कम है तो उसका एक आपको बेनिफिट मिलेगा अगर फिनेंस आप करवाना चाहते हो। तो अगेन वही मंथली एक अमाउंट बन जाएगी और फिर आप सर्टेन ईयर्स तक दोगे और अगेन आपकी गाड़ी अपनी हो जाएगी गाइस। तो और हाँ जर्मनी आने का एक मैं यहाँ पे कुछ कनेक्ट करना चाहता था गाइस कि अगर आप जैसे जर्मनी आ रहे हो, आपने यहाँ पे मास्टर्स कर लिया, बैचलर्स कर लिया या फिर जॉब भी आप डायरेक्टली ऑन साइट आए, आपने कन्वर्ट कर लिया फिर इंडिया से उठा के आए, काफ़ी सारे बंदे आ रहे हैं या बंदियाँ आ रही हैं, तो अगेन ये भी एक काइंड ऑफ बेनिफिट है। यू नो इंडिया में ये सब गाड़ियाँ ड्राइव करना इज सॉर्ट ऑफ लग्जरी, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। यूजुअली जो भी यहाँ पे आ रहा है मोर लेस बंदे यहाँ पे ले पा रहे हैं ये वाली गाड़ियाँ राइट, जैसे बीएमडब्ल्यू हो गई, बीएमडब्ल्यू या फिर बीएमडब्ल्यू हो गई और ऑडी हो गई या ऑडी यू नो और मर्सिडीज और जैगवार और व्हाटएवर एन नंबर ऑफ जैगवार तो नहीं है जैगवार ही बोलेंगे जर्मन से जैगवार तो बट वो तो अलग ही हो गया फंडा ना। तो ये गाड़ियां आप ले सकते हो, फिर स्कॉडा की बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां आती हैं, फिर फॉक्स वैगन की गाड़ियां आएंगी, तो ये सब गाड़ियां आप फैक्ट्री से पिक वाली बात रह गई थी। हाँ फैक्ट्री से पिक वाली तो अगेन एक बढ़िया चीज है कि अगर आपको यू नो एकदम आप गाड़ियों के कार लवर हो और आपको मन है कि भाई मैं फैक्ट्री से पिक करूँ अपनी गाड़ी जहाँ पे वो बन रही है, तो उस फंडे में भी आप कुछ ना कुछ पैसा भी सेव करोगे। जैसे सर्टेन डीलर्स अराउंड 300-400 यूरोज लेते हैं तो वो पैसा आपका सेव हो जाएगा अगर आप ऑप्शन लेते हो कि मुझे गाड़ी जब बन जाए भैया मेरा जब पिज़्ज़ा वीज़ा रेडी हो जाए तो मैं जाऊंगा रसोई से लेने के लिए तो आप अपनी गाड़ी वहां जाके बिंदास पिक कर सकते हो और शोरूम की जगह बेसिकली, अदरवाइज वो शोरूम पे ले आएंगे आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट करके। और यहाँ पे जैसे इंडिया में वो मिलता है ना पूरा रिबन वगैरह लगा के, वो सब नहीं होता बता दो, दिल तोड़ दो। मतलब आई थिंक होता है बट अगेन ओनली आप इंसिस्ट करोगे तभी, यूजुअली ऐसा कॉमन नहीं है। हाँ, तो इंडिया में तो अगर ये सब लाके आपको दे रहे हैं रिबन लग रहा है गाड़ी ऐसा, ऐसा 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 हमारे साथ तो नहीं हुआ, अगेन कहीं हुआ होगा तो मोस्ट प्रोबेबली उस बंदे का लक है। और इंडिया में तो अगर ये वाली गाड़ियाँ अगर आप लेते हो तो भाई मतलब उस दिन आपको एकदम पूरा स्पेशल फील कराने हैं, पूरा एकदम गाड़ियों के
ऊपर से वो कपड़े तो उतर रहे। कोई भी गाड़ी लेने जाओ तो थोड़ा बहुत रिबन लगा के और मतलब बहुत अच्छे से गाड़ी दी जाती है। कोई भी गाड़ी यहाँ पे जैसे हम हमारे एक्सपीरियंस बोलेंगे, हम तो BMW X1 लेने गए थे और हम थोड़ा बहुत तो ऐसे एक्साइटेड थे अपनी गाड़ी के लिए और गाड़ी ऐसे कोने में खड़ी हुई थी कि वो गाड़ी जाके ले लो, गाड़ी ले जाओ। एक बंदे को भेज दिया, भाई इसको दो चार फीचर बता दो एंड देन हमें दे दी। हमें लगा यार क्या वो रिबन खुद से लाने पड़ेंगे क्या, फिर वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अगेन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खरीदने का। गाड़ियों का आई थिंक मुझे लगता है इतना कुछ स्पेशल इसलिए नहीं होता होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉमन है गाड़ियों की, यू नो अगेन गाड़ियाँ लेते भी लोग बहुत हैं, बाय सेल ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली चलता है, तो आई थिंक इसलिए ये सब थोड़ा कम होता होगा। तो ये बेसिकली था लीजिंग का प्रोसेस। अब बात करते हैं गाड़ी को सेल करने की। भैया आपने हाथी खरीद तो लिया, अब उसको कभी ना कभी तो बेचोगे या फिर चेंज करोगे, तो उस सिचुएशन में प्रोसेस आपकी रहती है या तो आप किसी प्राइवेट बंदे को सेल कर दो या फिर जो स्मॉल यूज्ड कार के डीलर्स हैं उनको सेल कर दो या फिर ये जो बड़े वाले डीलर्स हैं इनको भी सेल कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में आई थिंक अगेन वही है, नेगोशिएशन पे भी होता थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, गाड़ी की कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, किलोमीटर्स पे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो एवरी ईयर कुछ ना कुछ प्राइस डिग्रेड होगी यहाँ पे भी, तो सेलिंग के लिए कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक काउ फतराग होता है जो सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको साइन करना है, एग्रीमेंट करना है कि बंदे से कि भैया ये प्राइस है, और आपको अपनी नंबर प्लेट अगर खुद से रख लेनी है वापस से ही तो वो भी आप रख सकते हो, वो अपना नया नंबर प्लेट लाके लगा लेगा। अगर आपको नंबर प्लेट के साथ ही सेल करना है वो भी आप सेल कर सकते हो। तो सेल करते टाइम में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि डीलर को आप सेल करोगे तो काफ़ी स्मूथ और कन्वीनियंट रहता है, बट अगर आप प्राइवेट बंदे को करते हो तो वो भी कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट अगेन उसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यू नो बंदे को अगर कोई भी छोटा मोटा इशू हो गया तो खुद से तो फिक्स कर नहीं पाएगा, देन उसको ये लगेगा कि वो गाड़ी में पहले से था एंड ऑल, तो वो सब आपको हैंडल करना पड़ेगा। बट डीलर यू नो सारी चीज़ें एक ही बार में सारी चीज़ें वो खुद से चेक कर सकता है, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। तो आप ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको किसको बेचना है। हम लोगों ने हमारी गाड़ी प्राइवेट को पहले सेल करने की कोशिश करी थी, बट अगेन उसमें बहुत टाइम लग रहा था, 10 बार लोग आ रहे हैं, 10 बार चेक कर रहे हैं, फिर कोई डिसाइड कर रहा है, बैक एंड फोर्थ डिस्कशन चल रहा है। तो हमने एट द एंड एक डीलर को गए, सेम डे पे सेम प्राइस उसने ऑफर करी और हमने उसको वहीं पे फारिग कर दिया भाई। बट प्राइवेट बंदों में फिर भी रेट्स बेटर मिल रहे थे, प्राइवेट बंदों में काफ़ी सारी हमें अच्छी रेट मिले थे, हमने एक दो चांसेस गंवा भी दिए। शुरू में एक बंदा बहुत बढ़िया प्राइस दे रहा था, हमने लगा कि नहीं ये प्राइस से और ऊपर होना चाहिए, और हमने एट द एंड उसे 2000 या 1500 यूरो नीचे ही जाके डीलर पे सेल करी। तो अगेन जर्मनी में अगर आपको लग रहा है कि ये प्राइस ठीक है, आप जो बेचना चाह रहे हो उससे 10-20% ऊपर नीचे है, तो उसी टाइम में वो डील ग्रैब कर लो, चाहे वो सेल करना हो, चाहे वो बाई करना हो, चाहे वो नई गाड़ी लेनी हो। और नई गाड़ी में भी आई थिंक यहाँ पे थोड़ा बहुत बार्गेनिंग जरूर हो सकती है, अभी तक हमने तो ट्राई नहीं की, बट आई थिंक मैंने एक दो फ्रेंड से सुना है कि नई गाड़ी में आप जरूर बार्गेन कर सकते हो, तो ट्राई करना, एटलीस्ट कुछ ना कुछ यू नो एडिशनल ऑन टॉप ले सकते हो या फिर कुछ ना कुछ बार्गेनिंग प्राइस पे जरूर हो ही जाएगी। तो अभी हम आए हैं BMW की डीलरशिप पे, तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्राइस का रेंज यहाँ पे भी बता देती हूँ। तो जैसे ये है BMW X1, इसमें आपको जैसे 25,000 की ये मिल जाएगी, 2019 मॉडल है ये, इसमें आपको 3,500 का डाउन पेमेंट करके फिर अप्रॉक्सीमेटली 400 यूरो महीने का आपका EMI बन जाएगा और ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हो फिर। तो ये है अगेन BMW 1 सीरीज, ये 15,000 की है, तो इसमें भी जैसे आप 2,500 यूरो का डाउन पेमेंट करके उसके बाद में 250 यूरो मंथली प्राइस में आप इसको ले सकते हैं। तो गाइज ये था जर्मनी में गाड़ी लेने का और सेल करने का प्रोसेस। तो आई होप आपको इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आपको यूज्ड कार लेनी है तो वो आप कैसे ले सकते हैं, आपको नई कार अगर लेनी है तो वो कैसे ले सकते हैं, और अगर जैसे सेल करनी है पुरानी गाड़ी तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं, और जो भी हम हमारे एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर पाए वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इसके बाद में भी अगर आपके पास में कुछ और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको मतलब आंसर देने की। और बाकी आप अभी भी अगर इंडिया में हैं या फिर जैसे जर्मनी नए नए आए हैं और मतलब ड्रीम कर रहे हैं कि जर्मनी आके मैं ये वाली गाड़ी लूँगा, तो वो कौन सी गाड़ी है वो भी आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए कि आप कौन सी गाड़ी लेने का ड्रीम रखते हैं। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं हाईली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी हम मिलते रहेंगे हमारे आगे के वीडियोज़ में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर। और ये यहाँ शोरूम में घूमते घूमते ये गाड़ी दिख गई, तो सचिन कह रहे हैं शिल्पा इसके बारे में भी कुछ कह दो, बट ये गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में क्या कह दो भाई, मतलब इसको मैं देख रही हूँ वही बहुत है, दूर से ही देख रही हूँ, टच हो गई, कोई नाखून वाखून लग गया, स्क्रैच हो गया, तो पता नहीं शोरूम में आने लायक नहीं रहेंगे।